यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के गालापुर में प्रसिद्ध वटवासिनी समय माता मंदिर के विकास को लेकर हिंदू संगठन वे सोहरतगढ़ के राजा योगेंद्र प्रताप सिंह हमेशा से प्रयासरत रहे। इसी कड़ी में आज विधायक डुमरियागंज राघवेंद्र प्रताप सिंह के प्रयास से पर्यटन विभाग से 60,000 रुपये समय माता मंदिर के विकास के लिए मिला है, जिससे वहाँ शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। आज क्या क्या कार्यक्रम था और इसके लिए किस संस्था से पैसा मिला और क्या करो? सीसी रोड, शौचालय और कुछ अन्य विकास के कार्य यहाँ होने हैं। लगभग 60 लाख रुपया प्रथम किस्त भी आई हुई है और भी हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। माँ बटवासिनी का स्थान हिंदुओं के, बहुत बड़े हिंदू समाज के आस्था का केंद्र है। यहाँ सारी सुविधाएं हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्राप्त हो, जिससे हिंदू समाज को आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और इसीलिए आज यह कार्यक्रम भूमि पूजन का कार्यक्रम था और इसीलिए हम लोग एक लाइन आपसे ले लीजिए। और उसमें क्या योगदान है आपका? आज जो है शौचालय का जो है निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ, उसका शिलान्यास हुआ है, 10 शौचालय जो है बनाए जा रहे हैं प्रदेश सरकार की तौर से, और वो जो पैसा जो धन ऊपर से आ रहा है वो हमारे विधायक जी के प्रयासों से ही आ रहा है, नहीं तो मुमकिन नहीं होता। कितना पैसा आ गया है काम के लिए? काम चालू हो गया? 60 लाख रुपया अभी आया है, ये अग्रिम वो है धनराशि है। इसके बाद और भी अभी आना बाकी है, जिसके लिए हमारे विधायक जी प्रयासरत हैं। पत्रकार राजेश गोस्वामी के साथ अभद्रता व्यवहार करने के ग्राम डाबला गोसी के प्रिंसिपल पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने यूनाइटेड प्रेस क्लब के संगठन द्वारा ज्ञापन देने के 2 घंटे के अंदर ही कार्यवाही कर दी गई। आज यूनाइटेड प्रेस क्लब साजापुर के तत्वाधान में राजा सतबीर हुसैन जिला अध्यक्ष व पूरे साथी समर्थक और सदस्यगणों के साथ ढाबला धोसी का जो प्रकरण था, हमारे राजेश गोस्वामी जी के साथ वहाँ के प्राचार्य द्वारा अभद्र व्यवहार का, उसके संबंध में विकास खंड जिला शिक्षा अधिकारी बीओ साहब श्री राजेंद्र मालवी जी को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बहुत अच्छे से सबसे प्रेम से बात करी, समस्याएं सुनी और ये कहा है कि उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। थैंक यू। द्वारा पत्रकार के साथ अभद्रता व्यवहार किया गया, उसके कार्रवाई को लेकर आपको ज्ञापन दिया गया, इस पर क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? इस कार्रवाई में जो भी बिंदु आपके द्वारा बताए गए हैं उन बिंदुओं की विस्तृत विवेचना करके या जांच करने के बाद में उसके जो भी वहां से जो जवाब या जो प्रकरण के बिंदु निकल कर आएंगे उनको बनाकर सीधे जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजा जाएगा, ताकि उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई या वास्तविक कार्रवाई हो सके, क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। जांच तो मैं कर लूँगा पर कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा जाएगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो वहाँ से की जाएगी। साजापुर के तत्वाधान में राजा सतबीर हुसैन जिला अध्यक्ष व पूरे साथी समर्थक और सदस्यगणों के साथ ढाबला धोसी का जो प्रकरण था, हमारे राजेश गोस्वामी जी के साथ वहाँ के प्राचार्य द्वारा अभद्र व्यवहार का, उसके संबंध में विकास खंड जिला शिक्षा अधिकारी बीओ साहब श्री राजेंद्र मालवी जी को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बहुत अच्छे से सबसे प्रेम से बात करी, समस्याएं सुनी और ये कहा कि उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की, जहां पर वाइस वन दीक्षित समारोह में उत्तर प्रदेश के आए मुख्यमंत्री के काफिले को NSUI कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। वहीं उसी मामले को लेकर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें कुछ अज्ञात पत्रकार भी शामिल हैं। खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा के, जहाँ पर अम्बेडनगर विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर में आज 85वां दीक्षित समारोह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदी पटेल ने की। वहीं हरियाणा निवासी FH मेडिकल कॉलेज की छात्रा आकांक्षा ने सर्वाधिक 11 गोल्ड मेडल हासिल किए। दीक्षित समारोह में 121 लोगों के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। फलीभूत करेंगे और नए भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देंगे। आपके इस विश्वविद्यालय का नाम देश के ऐसे महान व्यक्तित्व से जुड़ा है जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने राष्ट्र निर्माण एवं भारतीय समाज के पुनर्निर्माण में
कई तरीके से अपना सहयोग दिया है, जिसको कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को मैं आज के अवसर पर नमन कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। यह शहर, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी एवं दयाल बाग स्थित राधा स्वामी मंदिर जैसी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासतों के लिए भी जाना जाता है। इसके साथ ही स्वाधीनता आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद राज तोड़ा के विधानसभा मतदार संघ के राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल महागठबंधन के उम्मीदवार रविकांत बोपचे के पक्ष में बढ़ चढ़कर जनसभाएं कर रहे हैं, जहां पर वे मौजूदा सरकार के आरोप लगाते हुए सरकारी खामियां गिना रहे हैं। बीआरएसपी या आघाड़ी से तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रवादी के उम्मीदवार पाली जिले में बढ़ रहे अपराध के कार्यक्रम को रोकथाम हेतु पुलिस एसपी आनंद शर्मा के सभी थाना अधिकारियों को अपराधियों को रोकथाम करने के लिए गठन के निर्देश दिए थे, जिसके मद्देनजर एसपी रामेश्वर लाल ने निर्देश गठित पुलिस थाना बगड़ी नगर की टीम के अंतर्राज्यीय बैग का पर्दाफाश कर 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने की सफलता प्राप्त की है। कुछ महीनों में पाली जिले में विशेषकर आपके सोजत, जैतारण और रायपुर बेल्ट में चोरी की बहुत वारदातें आईं। इन सब में मोडस ऑपरेंडी सोने मकानों में या सोने मंदिरों में जो भी या जो कैबिन वगैरह होता है, दुकानें होती हैं, इनमें से जो हाथ लगे उस तरह की चोरी करने का था। लगातार वारदातों से हमने एक टीम का इसमें गठन किया था, जिसमें दोनों सीओ और सीओ जैतारण और सीओ सोजत और सोजत और जैतारण सर्कल के एसएचओ उसमें थे। तो इसमें जो बगड़ी एसएचओ है सुरेंद्र कुमार, इन्होंने कल मॉर्निंग में, आज मॉर्निंग में, आज है कल है कल कल हाँ कल शाम के समय कुछ संदिग्ध लोगों को देखा जो किसी वारदात करने के फिराक में लग रहे थे, और उनको जब पकड़ के उनसे पूछताछ की गई तो वो एक बड़ा गैंग निकला। इस गैंग को बेसिकली ये बिच्छू गैंग ब्यावर के नाम से जाना जाता है, और इसमें 10 से 15 मेंबर्स हैं। हमने 5 मेंबर्स को अभी पकड़ा है, जिनमें राकेश उर्फ आनंदपाल मेघवाल निवासी पुलिस थाना जैतारण, दिलीप सिंह जाति रावत निवासी पुलिस थाना सेंदड़ा, पप्पू राम जाति बावरी निवासी पुलिस थाना बगड़ी नगर, धन्नाराम उर्फ राजू कुमावत निवासी बगड़ी, और विजेश उर्फ व्रजेंद्र जाति सरगरा निवासी बिलाड़ा जोधपुर। इनके कुछ अन्य सदस्य हैं जो इन्होंने बताया इनके साथ थे पर वो फरार हो गए। करीब 7 और सदस्य हैं, इनमें से कुछ पाली जिले के, कुछ ब्यावर जिले के, मतलब ब्यावर अजमेर जिले, और कुछ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और ये एक बड़ा विचित्र सा है, मतलब बिकॉज इनमें अलग अलग कास्ट ग्रुप्स के लोग हैं, सभी 20 से 35 जो एज ग्रुप के हैं, नशे के आदि हैं, और ये लोग 5-5, 7-7 का समूह बना करके, गाड़ी भी रहती है इनके पास, ये जाते हैं और ये सोने मकानों और इनमें रेकी करके और फिर वारदात करते हैं। अभी प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने करीब 20 से 25 वारदातें करना कबूल किया है, जिसमें पिछले दिनों निमाज में जितनी भी वारदातें हुई हैं, एक करंट सरपंच और एक सरपंच, वो इन्होंने सोजत रोड में जो चोरियाँ हुई थी और जो शराब के ठेके वगैरह से, वो इन्होंने करना कबूल किया है। रायपुर और झूठा गांव में जो आसपास चोरियां हुई थी वो, कुछ ब्यावर जिले में, और अभी जैसे कल ही बिलाड़ा में कल्पवृक्ष मंदिर में चोरी हुई है, उसका तो वो भी इन्होंने करना कबूल किया है। कई जगह के फुटेज में भी ये लोग आए हैं। अभी इनको आज गिरफ्तार करके इनको रिमांड पे लिया जाएगा, उसके बाद माल इन्होंने कहाँ सप्लाई किया और कौन इन्वॉल्व है, और 7 तो और मेंबर्स हैं जो इन्होंने बताए हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है, उनको पकड़कर और अन्य पूछताछ करके रिमांड पे लेके, कोई और अगर ये चोरियां कबूल करेंगे तो उसका पता करके इसमें कार्रवाई करेंगे। इस गैंग को पकड़ने में बगड़ी थाने के कांस्टेबल श्रवण और बलदेव, इनका विशेष योगदान रहा, जिनकी सूझबूझ की से पकड़ा गया, उनके लिए हम विशेष पुरस्कार दिलवाए जाने का प्रयास करेंगे, और इससे उम्मीद है कि जो ये थोड़ा संपत्ति संबंधी अपराधों पर इस एरिया में अंकुश लगेगा। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावन पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस का मकान में छापेमारी करते हुए 8 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से जुआ खेलने के उपकरण भी बरामद किए हैं।